बता दिया करिए कि कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बढ़िया सा हेयर मास्क जो आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपके बालों को टूटने से रोकेगा, हेयर ब्रेकेज को क्योर करेगा, हेयर शाफ्ट को अच्छा करेगा, आपके बालों को तेजी से ग्रो करेगा यानी लंबा करेगा, बालों को स्ट्रेंथन करेगा यानी अनलिमिटेड इसके फायदे हैं। दोस्तों, मेरे बाल तो आप देख ही रहे हैं, मेरे बाल काफी ज्यादा हेल्दी हो गए हैं इन सारी होम रेमेडीज को यूज करने के बाद। हेयर कट के बाद भी मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लाइव एग्जाम्पल है कि मेरे बाल कितनी तेजी से ग्रो होते हैं। सो गाइस, आज का हेयर मास्क इतना ज्यादा मैजिकल है कि आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके बालों में ब्रेकेज बहुत ज्यादा हो रहा हो, झड़ते हो, टूटते हो, हेयर थिनिंग हो रही हो, बाल्डनेस हो रही हो, और आपके बालों की क्वालिटी अगर खराब हो गई है, बाल रफ एंड ड्राई डैमेज लगते हैं, बालों में कोई ग्रोथ नहीं है, तो ये सारी चीजें वो क्योर करने वाला है। इतना बढ़िया सा यूनिक सा मास्क आपने आज तक नहीं सुना होगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर मास्क का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों हनी यानी कि शहद। 2 से 3 बड़े चम्मच हमें हनी लेना है। हनी हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद हमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल। 1 बड़ा चम्मच के अराउंड आप कैस्टर ऑयल ऐड कर दीजिए, आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और हमें लेना है 1 चम्मच के अराउंड एलोवेरा जेल। ये तीनों का मिक्स, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा बढ़िया है ना दोस्तों कि आपकी हेयर की सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया सा एक सीरम कंसिस्टेंसी में बना लीजिए। हनी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रहेगी यानी डबल द अमाउंट रहेगी, और बाकी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में रहेंगी यानी कि एलोवेरा जेल एंड कैस्टर ऑयल। बढ़िया सा हमारा ये हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है, ये देखिए। अगर हनी आपने अपने बालों में आज तक यूज़ नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार मेरे कहने से यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। आपको इसे नहाने के यानी कि शैम्पू के 1 से 2 घंटे पहले करना है। 1 से 1.5 घंटे आप लगा कर रख सकते हैं, टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घंटे लगा कर रखें, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैस्टर ऑयल भी इसमें मिला हुआ है तो ऑयलिंग की प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिल जाएंगी। चलिए बताती हूँ कैसे लगाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट वीक में एक बार इस हेयर मास्क को आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें अपने शैम्पू करने से पहले। शैम्पू करने से 1 घंटे पहले अच्छे से इसे लगा लें अपने बालों की जड़ों में, स्कैल्प में, हेयर में, अच्छे से आपको लगा लेना है, पूरे स्कैल्प एरिया में भी और लेंथ में भी। मैं यहाँ पे ब्रश से दिखा रही हूँ, चाहे तो ब्रश से लगाएं या फिर फिंगर टिप से लगाएं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। इसमें आप दोस्तों कॉफ़ी भी मिला सकते हैं, अगर आप बालों में थोड़ा सा कलर चाहते हैं, ब्राउन टिंट चाहते हैं, तो आप इसमें कॉफ़ी भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो क्राउन एरिया अभी जो मैंने आपको शो किया है, क्राउन एरिया पर अच्छा फोकस करिएगा क्योंकि बालों की ग्रोथ वहीं से होती है। बढ़िया तरीके से आपको लगाना है। अब हनी आपको बता दूं कि हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी होती है। हनी में होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो डैमेज को प्रिवेंट करता है, आपके हेयर और स्कैल्प को हेल्दी रखता है, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉल को क्योर करता है। इस तरह से मैं आपको बैक साइड में भी दिखा रही हूँ, अच्छे से आपको जड़ों में मसाज करनी है दोस्तों इसकी। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, जेंटली करिएगा, नेल्स मत लगाइएगा, और बहुत अच्छे से ईयर के पीछे भी जो बाल रह जाते हैं उन्हें भी अच्छे से करिए, बन बनाकर 1 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद शैम्पू करिए। हनी का ये हेयर मास्क पहली बार से ही आपके बालों की रंगत बदल देगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपके बालों को वॉल्यूमिनाइज करेगा, बालों की ग्रोथ को एनहांस करेगा, उन्हें स्ट्रेंथन करेगा, और जो शाइन और जो ग्लॉसीनेस आएगा उसके तो क्या कहने, हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आपकी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये बढ़िया सा हेयर मास्क पसंद आया होगा। सो इसे बनाकर हफ्ते में कम से कम एक बार लगाइए, आप अपने बालों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट खुद देखेंगे, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल बहुत तेजी से ग्रो होंगे, स्ट्रेंथन होंगे। तो इसे अप्लाई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। आज की वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको हमेशा की तरह मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।